नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं दिल्ली की सत्ता को लेकर। एक बार सियासत फिर से गर्मा गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इसी ताल में अरविंद केजरीवाल ने एक और दाव खेला है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कही है और बीजेपी को एक बार फिर से निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, चलिए पहले आपको दिखा दें। दिल्ली में सरकार पर फंस गया पेच, केजरीवाल के दावे में कितना दम, क्या विधायक को करोड़ों की पेशकश। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। इस तरह से दिल्ली की राजनीति में पल पल बदलाव आ रहे हैं। उससे साफ है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सियासत अपने चरम पर है। आज आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन पर्दाफाश के जरिए बीजेपी पर आप पार्टी के विधायकों को खरीदने का जो आरोप लगाया है, उससे बीजेपी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी ने मीडिया के सामने एक स्टिंग, हालांकि आप पार्टी इससे पहले भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाती रही है। मेरे से तो कोई बात ही नहीं, आप देखो फुटिंग में, मैंने कोई कहा है 4 करोड़ की बात? मेरे से कोई बात ही नहीं, वो स्वयं अपने खुद ही अपनी कहानी घड़ रहे हैं, तो इसमें मैं कहां से आ गया जी? मैंने कोई जो है उनको कोई किसी किस्म की ऑफर नहीं दी, जब वो खुद ही आ रहा है। अतिथि देवो भवा, क्या आप आए मैं और आपके अलावा कोई भी आए मैं अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं? वो यही कहने आए थे जी, हम पार्टी जो है अपनी छोड़ के आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। कोई नहीं, देखो मैंने आपको पहले कह दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी छोड़ेंगे तो अपनी जो है पार्टी से इस्तीफा देंगे तो मेंबरशिप जाएगी। तो मैंने खुद कहा भाई आपकी मेंबरशिप जाएगी, तो तब उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फिर टिकट मिलनी चाहिए। मैं कहा भैया ये मैं कह नहीं सकता, हम पार्टी से बात करें। खबरों के मुताबिक मंगलवार को बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें सरकार बनाने की संभावनाओं और सीएम कैंडिडेट के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में ये भी साफ होगा कि सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी, और सरकार बनी तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी की तरफ से कौन बैठेगा। अब कांग्रेस और केंद्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठी बीजेपी तीनों ही पार्टियां सरकार के लिए तिगड़म बना रही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक मंगलवार को बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। दिल्ली की सियासत में एक दूसरा पहलू ये भी है, दिल्ली में विधानसभा भंग करके एक नए सिरे से चुनाव कराए जाए। दिल्ली में विधानसभा भंग करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आने वाले 9 सितंबर को आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। शायद यही कारण है कि एलजी साहब ने राष्ट्रपति से जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। तो वही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एलजी साहब ने अगर हमें न्योता दिया तो पार्टी सरकार बनाने पर जरूर विचार करेगी। अभी तो कोई किसी तरह का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कोई इस तरह का इंडिकेशन आया नहीं है। जब इंडिकेशन आएगा तो पार्टी उस बारे में चर्चा करेगी। तो केजरी एंड कांग्रेस एंड कंपनी है, वो जो है वो बिगाड़ने पर विश्वास करती है, हम बनाने पर विश्वास करते हैं। हम जो दिल्ली के लोगों की साथ विश्वासघात किया है उसको ठीक करने पर विश्वास करते हैं। हम दिल्ली के जो लोगों के सरोकार की और समस्याएं जो पूरी तरह से खड़ी हो गई हैं उसको समाधान की दिशा में हम चाहते हैं काम। अब तो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आगे क्या होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसी तरह का इंडिकेशन देंगे, कोई नोटिस देंगे, कोई लेटर देंगे, उसके बाद पार्टी क्या करने वाली है वो चर्चा करेगी और बात करेगी। गौरतलब है कि विधानसभा की मौजूद ताकत के मुताबिक बहुमत के लिए 34 विधायकों के होने पर ही सरकार बन जाएगी। इस समय दिल्ली में बीजेपी के पास अकाली दल के विधायकों को मिलाकर 29 विधायक है। इस हिसाब से दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जो स्टिंग बम फोड़ा है उसमें कितनी सच्चाई है ये देखना दिलचस्प होगा। दर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो करीब 6 महीने बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे थे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद अब
किसी की सरकार दिल्ली में बनेगी। दिल्ली की जनता जिसकी उम्मीदें काफी हैं दिल्ली की सरकार के साथ, अब वो सरकार आएगी और दिल्ली की जनता की सारी उम्मीदें पूरी करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है और खरीद फरोख्त की राजनीति के तहत ही बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के दावे कर रही है। आपको बता दें कि एलजी ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में साफ कर दिया गया था कि दिल्ली में क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए बीजेपी को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए सरकार बनाने को लेकर। और कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जगने लगी थी कि अब दिल्ली की जनता को एक सरकार मिलने वाली है, दिल्ली की सत्ता जो कि खाली पड़ी है करीब 6 महीनों से, अब वहां पर एक सरकार आएगी। और इन तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे इन पर अरविंद केजरीवाल ने एक बम फोड़ा है। स्टिंग ऑपरेशन की बात की गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से और बीजेपी के विधायकों पर एक बार फिर से खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ चिराग रावल इस वक्त जुड़ चुके हैं, दुष्यंत शर्मा जो कि कांग्रेस नेता है और इसी के साथ बीजेपी नेता अशोक गोयल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए अशोक गोयल जी, सबसे पहले आपका रुख करती हूं और आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लग रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है बीजेपी के विधायकों पर। सनसनीखेज बयान देना, झूठ बोलना और एक नौटंकी, जिस शब्द को कह सकते हैं नौटंकी जैसी स्थिति करना, ये आम आदमी पार्टी का पुराना खेल रहा है और सब उनकी इन कर्तव्यों से परिचित हैं। और एक ये नया कर्तव्य जो सामने आया है, ये भी बहुत जल्द असलियत सबको पता लग जाएगी जी। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के प्रति भी लोगों में, उन्हीं के लोगों में कम से कम मैं समझता हूँ विश्वास की कमी है। और ये जो इस तरह की नौटंकी करते हैं, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, स्वस्थ राजनीति की बात नहीं है। चिराग रावल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि सियासत में जो गर्माहट इस वक्त आई है वो आप ही की वजह से आई है। आम आदमी पार्टी का बम जो फूटा है उसकी वजह से दिल्ली की सियासत एक बार फिर से अपने चरम पर है। भ्रष्टाचारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो बोल रहे हैं वो क्लियर आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से बताइए जी। चलिए मैं बताना चाहूंगी कि अशोक गोयल जी ने कहा आपकी तरफ से जो बम फोड़ा गया है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत को गरमाने की वजह से फोड़ा गया है, बीजेपी का उसमें कोई भी दोष नहीं है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आप पहले से देख रहे हैं कि बीजेपी का कहीं पे कोई दोष होता ही नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बेईमानों और लुटेरों की पार्टी है जी। ये क्लियर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी 100 दिन में जी महंगाई कम करने वाले थे, भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने वाले थे, विदेश से काला धन लेके आने वाले थे जी। इनके ये सारे वादे खोखले हो गए हैं जी। ये चिराग रावल जी, अगर दिल्ली की जनता के दावों की बात करें, अगर विधानसभा चुनाव दिल्ली में होता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। अपनी औकात में रहकर बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुम्हारी जनता ने तुमको बता दिया है, उसके बाद फिर बता देगी। आप किसी गलत फहमी में ना जिए। गलत फहमी में आम आदमी पार्टी नहीं है, गलत फहमी में दिल्ली का आम आदमी नहीं है, गलत फहमी में है तो भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं है। सब कुछ वक्त आने से पता लग जाएगा। चलिए चिराग रावत जी आपसे और अशोक गोयल जी आपसे दोनों समय आपके शब्दों में मुझे आपके उत्तर आपके शब्दों में मैं आपका उत्तर नहीं दूंगा। चलिए चिराग रावत जी आपसे मैं कहना चाहूंगी, अशोक गोयल आप जी से भी, क्योंकि एक राष्ट्रीय मंच है, आप अपने शब्दों पर कृपया ध्यान जरूर रखें इस वक्त। और मुद्दा हमारा इस वक्त यही है कि आम आदमी पार्टी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। चिराग रावत जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है आपकी ओर से जारी रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कितनी सच्चाई है आपके आरोपों में जो लगाए गए हैं? सारे दावे सच्चे हैं जी। इन बेईमानों के बारे में तो पहले से ही जनता को पता है जी। यहाँ पे लगातार हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चिराग रावत जी, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि आप किसी पर भी आरोप जो है वो सीधे तौर पर नहीं लगा सकते, अपने शब्दों का विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखिए। चलिए दुष्यंत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा होता आया, तो कितनी सच्चाई इन आरोपों में है इस बार? देखिए, दिल्ली में चुनी हुई सरकार
आई थी और वो सरकार जो भी 49 डेज चली, कायदा अनुसार जो बीजेपी थी वो बड़ी पार्टी थी, उनके पास में 28 विधायक थे उस टाइम और उनको सरकार फॉर्म करनी चाहिए थी, लेकिन जो भी कारण था उस कारण से वो सरकार अपनी नहीं बना पाए और उन लोगों की इच्छा अनुसार भी उन्होंने भी यही कहा कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनी भी और सरकार वो बन के 49 डेज वापस भी चली गई। और अभी जो विषय आपका जो मुझे बताया गया वो ये था कि दिल्ली में सरकार फॉर्म होने जा रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, तो उनके पास नंबर तो उतने नहीं है जो 30। अगर वो सरकार बना रहे हैं तो वो एलजी के यहाँ अपने नंबर तो शो करेंगे कि भाई उनके पास ये लिस्ट है और उनको कैसे कर रहे हैं जी। और दूसरा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो माननीय कोर्ट भी जो फैसला दे और जो एलजी साहब करें वो भी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे और प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। देखने वाली होगी कि बीजेपी जो आंकड़े हैं, जो जादुई आंकड़ा है, उसे कैसे साबित करेगी, कैसे उसे सिद्ध करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी के पास वो आंकड़ा नहीं है। लेकिन फिलहाल आज प्राइम टाइम में हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, उन आरोपों में इस वक्त कितनी सच्चाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर खरीद फरोख्त की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। ये कहा गया है कि स्टिंग कराया गया है, स्टिंग में साफ हो गया है कि जो बीजेपी है वो सीधे तौर पर खरीद रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों को, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। नहीं, आप मुझसे आप प्रतिक्रिया ले रहे हैं जी। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन की अगर कोई बात है और जो सामने आया है तो वो, क्योंकि अभी इनकी कोई कोर्ट की डेट भी है और ये इन्होंने ये भी कहा है जो मुझे आपके माध्यम से ही मालूम पड़ा है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको कोर्ट में शो करेंगे जी। तो कोर्ट का आने दीजिए, कोर्ट में वो तय होगा। जब जो चीज न्यायालय में है तो उसमें हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि वो सही है या वो गलत है जी। अब जो बीजेपी के काउंटर पार्ट पे हैं वो कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है और जो ये हमारे जो आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वो ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि जब माननीय न्यायालय में जो चीज है तो उसे माननीय न्यायालय को ही फैसला करने दीजिए। और एक चीज जरूर है कि जो प्रदेश में अगर कोई भी चुनी सरकार आती है तो उस सरकार को आने देना चाहिए। चलिए अशोक जी, आपके दुष्यंत जी जी, आज संदीप दीक्षित जी ने जी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद भी रहे हैं जी जी, एक बात कही है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि मेरे संज्ञान में ये बात है नहीं। दूसरा, मेरे नॉलेज में ऐसी बात है, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आप बड़े पेशेंस से आपकी बात सुनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा कोई बयान किसी सीनियर लीडर का नहीं सुना। और अगर इस बात को जिस चैनल पे हम बात कर रहे हैं तो आप उसी विषय पे बात करिए, और आप अपने आरोप जो हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगाए, इसका मतलब मैं बोलूं आपके बारे में, आपकी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो आपके विधायक जवाब दे रहे हैं, आप उस सफाई को दीजिए। दुष्यंत जी, मैं जवाब दे रहा हूं, रखने का समय दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि जो उन्होंने कहा वो आज सारे भारत ने मीडिया पर देखा है। मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी के बारे में जी, बताएं। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से नाटकीय ढंग से काम करने का ढंग है, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। अब सच्चाई है, अब वो बात नहीं है। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, अब वो बात नहीं है। एक बात है, एक बात मुझे भी कहनी है। हाँ, कहना, आप खूब कहना कहना। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी जल्दबाजी नहीं है सरकार को बनाने की। हम पहले भी दावा पेश नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जो अपने बच्चों तक की घिनौनी कसम खाकर ये दावा करते थे कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा कांग्रेस के साथ मिलकर, उन्होंने सरकार बनाई और आपने किसी भी आधार पर उनको समर्थन दिया और उस सरकार को स्वयं वो छोड़कर दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करके कहीं ना कहीं चले गए। आज की परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और कोई तोड़फोड़ में इस तरह का कोई विश्वास नहीं रखती है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, संविधान में ये व्यवस्था है कि राजनीति में जब कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पहली बार आप लोगों का गठबंधन हो रहा था,
लेकिन अब कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई गठबंधन हम आपस में नहीं करेंगे, आप कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो बात आई है उसके समझ में लगता है कि यदि संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा कुछ निर्णय हुआ राज्यपाल महोदय का कि वो अगर आमंत्रित करते हैं तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद जो सही होगा वो होगा। रही आरोप की बात, अब मैं आरोप की बात पर आता हूं, थोड़ा मुझे मौका दीजिए। हाँ, आप लीजिएगा मौका, मैं जरा आरोप की बात में आ जाऊं। आरोप के बारे में मेरा सीधा सीधा ये कहना है खत्म हो जाएगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे बुलाया गया, ये मेरे पास खुद आए, ये जाल है बिछाया हुआ और इसका ड्रामे की सारी जो क्या नाम जो स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जो लोग सदा से नौटंकी करते आए। चलिए कृष्ण जी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन चिराग रावत जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी कि आपने जो आरोप लगाए वो बीजेपी ने इस तरह से नकार दिए। बीजेपी ने कहा है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगे हैं वो बीजेपी पर जो लगाए गए हैं वो सही साबित नहीं हो रहे हैं और सही दिल्ली की जनता को पता है जी क्या आरोप लगे हैं और ये सत्य है या झूठ है जी। आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करती है, ये खरीद फरोख्त की बेईमानी की राजनीति करते हैं, ये भी दिल्ली की जनता जानती है। अब समय आ गया है इम्तहान का जी। लेकिन चिराग रावत जी इस वक्त एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी सरकार बनाने की जो सरगर्मी है वो तेज होती है दिल्ली में, तभी आम आदमी पार्टी का कोई स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, ऐसा उसी समय के दौरान क्यों होता है? अब दिल्ली में सियासत की सरगर्मी लगातार तेज हो रही थी कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के बीच में लगातार बनी हुई है, दिल्ली की जनता के साथ लगी हुई है जी। भ्रष्टाचारियों के 100 दिन पूरे हो गए थे। हाँ, मैं चिराग रावल जी सवाल इस वक्त ये है जी, अशोक जी ये 100 दिन की चर्चा कर रहे हैं जी, देश ने 100 दिन का, जरा चिराग जी शांति से सुनिएगा जी जी। हाँ, आपकी बात का कोई भी बात है उसका गंभीरता से जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप गंभीरता से बात करें, हल्केपन की बात नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना आपसे, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। अभी हमारे बीजेपी के लीडर साहब कह रहे थे इस बात के लिए कुछ कह रहे थे। देखिए शुरुआत में जब ये पार्टी चुन के जब ये एमएलए इलेक्ट होके आए थे तो उस टाइम इनको मौका दिया गया था क्योंकि ये बड़ी पार्टी थी। आज ये फिर वही बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोले हम सरकार फॉर्म दिल्ली में नहीं करेंगे, तो इस पार्टी जो दूसरी पार्टी जो बैठे हुए हैं ये भैया, इनकी पार्टी ने सरकार फॉर्म दिल्ली में की, ये 49 डेज में सरकार छोड़ के भाग गए। आज जब भी कभी इस तरह की सरकारें बनती हैं जो बहुमत में नहीं होती हैं तो वहाँ एलजी के सामने परेड की जाती है, वहाँ लोगों को पहुंचाया जाता है और लोगों को ये नंबर बताया जाता है कि भाई ये नंबर हमारे पास है। आज अगर वो मुझे कहने दे, एक सेकंड में मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूंगा। हमने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है। मैं आप जब जब दावा प्रस्तुत किया जाता है तो बताया जाता है कि हमारे पास बहुमत इस प्रकार से है। मुझे जरा कहने दीजिए, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है, एक सेकंड मुझे वहाँ आने दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये सरकार पेश बनाने जा रहे हैं तो ये संवैधानिक व्यवस्था की बात करें, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नंबर बताया जाता है जी। तो ये बात इनको सोचनी चाहिए कि नंबर कहां से देंगे, और जहां ये तोड़फोड़ कहीं ना कहीं तोड़फोड़ तो है ही है, कहीं भी है, नंबर जब पूरा करेंगे तो बिना तोड़फोड़ के नंबर पूरा नहीं होगा। जिस समय विधान संविधान बन रहा था, संविधान बनाने वो मुझे मालूम है, वो व्यवस्था मुझे मालूम है। वाकई इस वक्त मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें। आप तो तोड़फोड़ कहते ही रोकेंगे तो इसका मतलब डिबेट नहीं चाहते। मैं कुछ बोलने तो दीजिए, मेरा ये कहना है संविधान में जब व्यवस्था दी गई, ज्यादा बोले पहले भी आप देख लीजिए टाइम निकलवा के सारा, आप ही तो बोले। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं 100 दिन का जवाब दूं या आपकी बात का जवाब दूं? नहीं, मेरी बात का जवाब दिल्ली से संबंधित, दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात दीजिए आप। चलिए आप सभी की प्रतिक्रिया, देखिए चिराग जी, दुष्यंत जी और आलोक जी, आप सभी की प्रतिक्रिया इस पर रखने के लिए ही आप लोग को यहाँ बुलाया गया, इसलिए एक एक करके एक दूसरे को मौका दीजिए जी। मेरा कहना यह है 100 दिन का जो मोदी जी का शासन हुआ है, जिसको मेरे अभी भाई कह रहे थे, इस देश के लिए स्वर्ण में ये काल 100 दिन का माना जाए। चलिए चलिए आलोक जी, आलोक जी आलोक जी आपको रोकना चाहूंगे इस वक्त। 100 दिन की अगर हम मोदी सरकार की हम बात करें तो वाकई 100 दिन में देश की 125 करोड़ जनता का मनोबल बढ़ा है। वाकई ऐसे कई बैठे, लेकिन आलोक जी इस वक्त बड़ा सवाल, आलोक जी विकास की पटरी पर जो है आलोक जी इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन और इन लोगों को ये नकारे हुए लोग जो जनता के द्वारा ठुकराए गए लोग कभी जो है ये महंगाई के नाटक कर महंगाई 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 चिल्लाते हैं। 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दिया था,
हम बेईमान भ्रष्टाचारी पार्टियों की तरह नहीं है कि एक बार आ गए सीट पे बैठ गए तो बैठे रहे पांच साल लूटते रहे देश को। लेकिन चिराग रावल जी पांच साल की बात बहुत दूर की है। सरकार की अगर हम बात करें तो आपकी सरकार 49 दिन में ही दिल्ली की जनता का भी ख्याल आप लोगों ने नहीं किया। दिल्ली की जनता के लिए तो काम किया था हमने जी। तो फिर दिल्ली की चिराग रावल जी, चलिए ठीक है, मैं आपकी आपकी बात को रखती हूँ। अशोक गोयल जी आपको रुकना चाहूंगी। चिराग रावल जी, ठीक है, आपकी बात को रखते हैं, कहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए आप लोगों ने काम किया, लेकिन फिर दिल्ली की अशोक जी दिल्ली की जनता के लिए आप लोगों ने काम किया, लेकिन दिल्ली की जनता ने फिर आपको लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नकार दिया? वोट परसेंटेज बढ़ाए जी, भ्रष्टाचारियों ने इतने ज्यादा वादे कर दिए कि 100 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में वो कर देंगे जनता को। अगर आप 49 दिन का दावा यहाँ बैठकर कर रहे हैं तो फिर दिल्ली की जनता ने आपको लोकसभा चुनावों के दौरान क्यों सिरे से नकार दिया? परसेंटेज तो बढ़ाए आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जी। आपको दिल्ली की जनता ने भेजा गया है उतना ही बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है, हाँ, दिल्ली की जनता तुम्हें भी जानती है, दिल्ली की जनता हमें भी जानती है, सबको जानती है। वक्त आने पर पहले भी साफ हो गया है और अब भी साफ हो जाएगा। आप अपने शब्दों का ध्यान दीजिए। मेरा ये कहना है कि देश में एक बार पुनः ये लगने लगा है कि कोई सरकार काम कर रही है। आज कश्मीर के अंदर जैसा कि प्रलय का वातावरण बना, चले आलोक जी, केंद्र की सरकार ने जिस तत्परता से लोगों को बचाने का, राहत का काम देने का काम किया, लगता है कि देश में कोई सरकार है। भटक रहे हैं आलोक जी, यही महसूस करते हैं आलोक जी, आप इस वक्त मुद्दे से भटक रहे आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि दिल्ली की सियासत पर काबिज होने के लिए इस वक्त जो सियासत की जा रही है तमाम दलों की ओर से, जो सियासत इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है, उस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस वक्त मैं लेना चाहूंगी। जी दुष्यंत जी, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि दिल्ली की सियासत में जो इस वक्त गर्माहट देखने को मिल रही है, सत्ता पर काबिज होने के लिए इस वक्त जो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। हाँ देखिए, जो दिल्ली में जो स्थिति है वो दिल्ली में स्थिति अभी किसी पार्टी की क्लियर नहीं है, और वहाँ जो बीजेपी पार्टी सरकार फॉर्म करने की बात कर रही है तो उनको भी पूरा बहुमत नहीं है और उन्होंने अपने नंबर्स भी खोले नहीं है। और अभी ये थोड़ा अर्ली इसलिए भी है कि वो एक बात कह रहे हैं गोयल साहब के, भाई उनको इनविटेशन नहीं मिला है या अभी वो सरकार फॉर्म करने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उनको इन्विटेशन नहीं मिलेगा तब तक वो पूरी बात भी नहीं बता पाएंगे। तरीका ये होता है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कि LG के पास जाके वो अपने नंबर शो करेंगे, हमारे पास नंबर हैं और हम सरकार दिल्ली में फॉर्म कर सकते हैं, सरकार को हम चला सकते हैं। तो इसमें मैं एक प्रतिक्रिया दूंगा कि जो आम आदमी पार्टी थी उसको मौका दिया, क्योंकि और उन्होंने 49 डेज में वहां से वो चले गए सेंटर के लिए, उसमें जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने। अब जो ये पार्टी है बीजेपी पार्टी, अगर इनका नंबर है तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनी सरकार आनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसलिए मैं दुष्यंत जी आपको रोकना चाहूंगी। आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतना सिर्फ यहाँ पर कहा जा सकता है कि दिल्ली की सियासत में एक और नया मोड़ इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि मोड़ कितना दिलचस्प होगा, दिल्ली की सियासत को आखिर कौन अपना कब्जा कर पाएगा, दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज हो पाएगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक और दिलचस्प मोड़ दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।